हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बताएंगे काउंसलिंग में कौन कौन से स्टूडेंट भाग ले सकते हैं, कौन से स्टूडेंट नहीं ले सकते हैं, और भी काफ़ी पूरी प्रक्रिया है पंजीकरण रजिस्ट्रेशन की, पूरा बताएंगे। इसमें से हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट छांट लिए हैं जो आपके काम के हैं। तो देखते हैं, राजकीय क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है तो वे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, ऐसे छात्र काउंसलिंग में पार्टिसिपेट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नहीं कर सकते। ऐसे अभ्यर्थी जो आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी CCC द्वारा प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्तरीय वैकेंसी काउंसलिंग के उपरांत अनरह सूची में सम्मिलित होंगे, वह काउंसलिंग के पात्र नहीं होंगे। मतलब उन्होंने वहाँ पर सेंट्रल की लेवल की कराई है तो वो स्टेट की क्यों ही कराएंगे, उनको एलिजिबिलिटी नहीं देगा स्टेट। तो आ गया रजिस्ट्रेशन। तो इसमें रजिस्ट्रेशन में UGIUG काउंसलिंग 2022 में प्रतिभाग करने वाले वेबसाइट ये दे दिए आपको पूरा। इसका 2000 रुपये फीस है और वो नॉन रिफंडेबल है, मैं आपको बता देता हूँ सही सही। और अब बात करते हैं धरोहर राशि की। धरोहर राशि में बात है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए 20,000 की है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए 50,000 की है। जिस खाते से ये धरोहर राशि कटाई जाएगी उसी खाते में वापस की जाएगी। तो ध्यान रखें, कटाते समय उसी अपने ही खाते से कटाएं ताकि अपने खाते में वापस आएँ, या फिर आपने प्री सीट कहीं किसी कॉलेज में बुक कर ली है तो कॉलेज के खाते से कटाएं ताकि आपकी फ़ीस में ऐड हो जाएगी। तो बात करते हैं यहाँ पर विकल्प और धरोहर राशि। केवल राजकीय यूनानी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 20,000 की है, यहाँ लिख के भी दे दिया है, और निजी क्षेत्र में 50,000 की है। राजकीय एवं निजी दोनों में कराना चाहते हैं काउंसलिंग तो 50,000 की कटानी पड़ेगी। धरोहर राशि यही है, बाकी आप अभी रजिस्ट्रेशन कराओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। रजिस्ट्रेशन कराने में, काउंसलिंग में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो हमें संपर्क करो। अब बात करते हैं ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन की। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन में आपका क्या क्या लगेगा समझ लीजिए। हाई स्कूल की मार्कशीट लगेगी, इंटर की मार्कशीट लगेगी, और तथा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र लगेगा, प्रवेश पत्र लगेगा। प्रवेश पत्र तो आई थिंक मुझे नहीं लगता किसी के पास होगा, मार्कशीट ही लगेगी, मार्कशीट ही अपलोड होगी। नीट का UG स्कोर कार्ड लगेगा, आरक्षण श्रेणी मतलब जाति प्रमाण पत्र लगेगा आपका, है ना, ये चीज़ लगेगी। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट शासन आदेश के अनुसार हाई ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट दोनों परीक्षाएं अथवा कोई भी परीक्षा, एक परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य से उत्तीर्ण की है, अभ्यर्थी का आधार प्रमाणीकरण कराया जाएगा। मतलब आपने UP से अगर परीक्षा पास की है तो आपका आधार कार्ड से मैच किया जाएगा, आधार कार्ड से प्रमाणीकरण किया जाएगा। आपका डोमिसाइल आधार कार्ड दोनों ही लगेगा। आधार न उपलब्ध होने की स्थिति में, प्रमाणीकरण न होने पाने के स्थिति में ड्राइविंग लाइसेंस लग जाएगा। मतलब UP के जो स्टूडेंट हैं स्पेशली जिनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है UP वालों के लिए, तो उनका आधार कार्ड काम कर जाएगा, लिख के दे रहा है साफ साफ। ड्राइवरी लाइसेंस भी काम कर जाएगा, लाइसेंस पासपोर्ट भी काम कर जाएगा, पैन कार्ड भी काम कर जाएगा, फोटो युक्त तो बैंक पासबुक भी, अंतिम महाविद्यालय से निर्गत फोटो युक्त तो पहचान पत्र अपलोड करना होगा, हाँ, तो ये भी काम कर जाएगा कॉलेज का आई डी कार्ड। तो प्रत्येक काउंसलिंग की चक्र में पंजीकरण के अंतिम तिथि नीट 2023 के परिणाम सूची अंगीकृत करते समय ऑनलाइन सत्यापन उपरांत निर्धारित तिथि पंजीकरण स्टेट मेरिट लिस्ट सूची तैयार कर वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। मतलब ये है कि आप रजिस्ट्रेशन करा लोगे सब सभी बच्चे, उसके बाद एक सूची आ जाएगी किन किन को चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलेगा, सभी को मिलता है जो रजिस्ट्रेशन कराता है। अब बात करते हैं अभिलेखों का भौतिक सत्यापन, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब आपको लखनऊ में क्या क्या लेके जाना है, इसके ऊपर मैं और वीडियो बना दूंगा, अभी एक शॉर्टली वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें UG का प्रवेश पत्र, रिजल्ट स्कोर कार्ड लेके जाना है, स्कूल का मार्कशीट प्रवेश पत्र लेके जाना है, इंटरमीडिएट का मार्कशीट प्रवेश पत्र लेके जाना है, सामान्य मूल निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है, राजकीय क्षेत्र के आयुष में आरक्षण है तो समकक्ष प्रभाधिकारी का पिछड़ा मतलब अपना ये कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, किसी भी प्रकार का आपके पास रिजर्वेशन है तो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है, कोटे से निजी क्षेत्र में 15% ऑल इंडिया सीटों संबंधित में प्रमाण पत्रों के आधार कार्ड में आधिकारिक में न्यूनतम प्रकाशित परसेंटाइल अंकों की, ये छोड़ो कोई बस नहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक EWS प्रमाण पत्र प्राधिकारी 1/4/2023 के बाद का किया गया हो मान्य होगा। मतलब यही तो मैं कह रहा था बार बार कितने बच्चों से तो बोला हूँ,
1 अप्रैल 2023 के बाद का जितना भी है आपका वही मान्य होगा और वही लेके जाना है। अगर पहले का बना हुआ है तो मान्य नहीं होगा, आपके एडमिशन में दिक्कत आनी आनी है 100%। यदि आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो तो 100% आनी है। एक बार के लिए यूपी से बिलोंग करते हो तो आपका आधार कार्ड लग भी जाएगा। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नेगेटिव बना लें और जिसके अभ्यर्थी नीट यूजी में अपलोड किया हो वो लेके जाना है। पहचान पत्र के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस, फोटोयुक्त बैंक पासबुक, पैन कार्ड, ये सब कुछ आपको लेके जाना है। काउंसलिंग है तो ऑनलाइन पंजीकरण में स्पष्ट प्रिंट आउट लेके जाएं, स्पष्ट कागज लेके जाएं, नोट विशेष तरीके से ध्यान दें। दिव्यांग प्रमाण पत्र में आयुष मंत्रालय में प्रारूप में मान्य होंगे। अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं इसके लिए। अभिलेख का सत्यापन नेशनल है नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज लखनऊ में किया जाएगा। प्रथम एवं द्वितीय काउंसलिंग में कोई भी संस्था प्रविष्ट नहीं लेती है तो ये चलो ये कुछ नहीं। अभिलेखों को जमा करके प्रस्तुत कर प्रवेश में समय ही करना अनिवार्य होगा। इस पर मैं और भी वीडियो बना दूंगा, अभी तो एक बना रहा हूँ, बाकी अपना फेस लेके आऊँगा फिर वीडियो बनाऊँगा। काउंसलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया सीट अलॉटमेंट प्रोसेस यहाँ से होगा। आपको सीट अलॉटमेंट की जो भी डेट दी गई है उसी के शेड्यूल के अनुसार आपको सीट अलर्ट हो जाएगी। ये है पूरा आपका यहाँ से, फिर तृतीय चक्र का चलेगा उस पर वीडियो अलग बनाऊँगा। स्टे वैकेंसी SC ST ये सब है यहाँ पूरी प्रक्रिया। फिर सीट से त्यागपत्र कैसे देना है इसके ऊपर मैं वीडियो अलग बना दूँगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ चैनल पर रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे कमेंट करो कि आपको किस पर वीडियो चाहिए।